जय हिंद दोस्तों, आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से रिलेटेड बताने जा रहा हूं। आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब कि जो अति लघुतरी होते हैं, जो सवालें होती हैं छोटी छोटी, हमारे पास बुक है इंग्लिश में। मैं भले बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय पीडीएफ जो हमारे पास है इंग्लिश में ही हमारी आंखों के सामने नाच रहा है, और आपके सामने हिंदी में भी होगा तो समझ लीजिएगा क्या दिक्कत है। कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। आपको टैक्स के पहले का फ़ायदा मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है? टैक्स के पहले का फ़ायदा मालूम करना है। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद का फ़ायदा दिया है 2,50,000 रुपया। डिफर्ड टैक्स एसेट्स ऑन 31 मार्च 10,000 रुपया। उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट्स 31 मार्च 2021 कितना दिया गया है 12,500 रुपया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर 50,000 रुपया दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने पढ़ा, एक बार पूरा हिंदी में पढ़ लो। कहता है निम्नलिखित विवरण से पूर्व कर से पूर्व की लाभ की गणना करिए। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर के बाद लाभ 2,50,000, स्थगित कर संपत्तियाँ 20,000 रुपया है 2020 में, 10,000 रुपये का 31 मार्च को स्थगित कर संपत्तियां 2021 को। उसके बाद वर्ष के लिए कर का जो प्रावधान करना है, वर्ष के लिए जो टैक्स का प्रावधान करना है वो टैक्स दिया गया है आपके सामने। ठीक है, चल तो ठीक है, लिखते हैं। आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ध्यान देना है क्या पूछ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि कर के लगने के पहले टैक्स। हेडिंग मैंने डाल दिया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कर के पहले का लाभ। आपको बताना चाहते हैं दिया है आफ्टर टैक्स लाभ दिया है। भैया आप सबसे पहले क्या कह लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000 रुपया। प्रॉफिट जो दिया गया है टैक्स देने के बाद 2,50,000 रुपये का दिया गया है। कहता है कि पहले इन्होंने टैक्स लगाया था डिफर्ड टैक्स असेट्स, टैक्स लगाने के पहले संपत्ति थी 10,000 रुपये की, बाद में 12,500 रुपये की हो गई। आपको जानकारी होनी चाहिए अगर कोई संपत्ति बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले बच्चों को बताया है कि आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मत पढ़ना, आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मैंने बताया है एसेट्स अगर इंक्रीज होगी, इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हम माइनस कर लेते हैं, पहले 10,000 का था फिर 12,500 का हो गया, यानी कि कितने का मामला गरम है यहाँ पर, मामला इसमें 2,500 रुपया आपको लेस कर देना है, फ़ायदा लेस कर देना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताया है, तो इसीलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों भाइयों बहनों पहले लॉन्ग वाला पढ़ो। फिर कह रहे हैं प्रोविजन कर लिया है टैक्स का 2,00,000, ऐसे डायरेक्ट लेस कर दो, अब ऐड वाला लिख दो ऐसे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए का दिया है क्वेश्चन में, 50,000 रुपए का। अब आप समझिएगा दोस्त, जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे, देखो पढ़ाई पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए संघर्ष जरूरी है, नियम कायदा कानून जरूरी है, पर पास होने को तो सब हो जाते हैं पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
आपके सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 250,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखा गया है। लेस करेंगे एसेट्स इंक्रीज, क्यों? मैंने बताया है, बच्चों को बताया है कि पहले आप लॉन्ग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शॉर्ट वाला पढ़ेंगे तो उसी में सारी चीज़ें समाहित होती हैं। पहले 10,000 रुपए का था हमारे पास क्या संपत्ति थी, और वही संपत्ति बाद में हो गई 12,500 रुपए की, यानी कि 2,500 का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मैंने बताया है घटा लिया जाता है ना। और प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब कि ये जो लोग 2,50,000 रुपया दिया है ये पूरा शुद्ध रूप से दिया है, अब आपको विशुद्ध रूप से तैयार करना है तो आपका क्या करेंगे, 2,50,000 में 2,500 घटा दीजिए, 2,47,500। अगर आप लिखेंगे 2,00,000 माइनस कर लीजिए, कैलकुलेटर भी हमारे पास है, आज कैलकुलेटर लेकर भी बैठे हैं, 2,50,000 माइनस 2,500 प्लस 50,000 2,97,500 लिखा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कर के बाद का लाभ दे दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपके सामने जो सूचना दी गई है नेट प्रॉफिट मालूम करना है बिफोर टैक्स, कर के पहले का दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,65,000 रुपया इस साल का है, 1,00,000 रुपया पिछले साल का है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 रुपया इस साल का है, 30,000 रुपया पिछले साल का है। प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, अदर इन्फॉर्मेशन में अंतरिम डिविडेंड पेड फॉर द करेंट ईयर 15,000, रिफंड 2,500 रुपया। क्या मालूम करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपनी कॉपी में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर क्या रहेगा, टैक्स रहेगा, अपनी कॉपी में ठीक है ऐसे लिख लीजिए। तो सॉल्व कैसे करना है, इसे थोड़ा सा कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिफोर टैक्स मालूम करना है तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है आफ्टर टैक्स, क्या लिखना पड़ता है आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में खोजिए कितना दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया गया है आपके सामने, देखो इस साल का 1,65,000 दिया गया है जिसमें पिछले साल का 1,00,000 शामिल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का जो हमारा फ़ायदा दिया हुआ है 1,65,000 दिया हुआ है, याद रखिएगा हमारी बात, ऐसे लिखिए 1,65,000 इस साल का दिया है। इसमें से आप क्या कर लेंगे, इसमें से पिछले साल का माइनस कर लेंगे, ठीक है पिछले साल का माइनस कर लेंगे। आपको ध्यान देना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,65,000 है, इस साल का है, इसमें प्रीवियस ईयर प्रॉफिट माइनस कर देना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट माइनस कर देना है 1,00,000 का, इसका मतलब है 65,000 रुपये का फ़ायदा इस साल का है, सिर्फ इस साल का कितना है 65,000 रुपये का फ़ायदा। समझिएगा टॉपिक हमारा, भाई हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके सामने बाद का दिया है, आपको पहले का मालूम करना है, कोई बात नहीं है। तो 1,65,000 में 1,00,000 रुपये का फ़ायदा पिछले साल का है, उसको हटा दो, जो बचेगा इस साल का हो जाएगा। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्वेश्चन में कहा पहले इस साल 40,000 है, पिछले साल कितना था 30,000, ध्यान दीजिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐड कर लो। कंपनसेशन रिजर्व कहाँ से तैयार किया जाता है, ये फ़ायदे से ही निकाल कर तैयार किया जाता है भैया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई भी फंड तैयार किया जाएगा फ़ायदे से निकाल कर तैयार किया जाएगा, लिख लीजिएगा वर्क मैन
कंपेंसेशन फंड्स। कितना रुपया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो निकाला जाता है उसमें आपको ध्यान देना है, पहले 30 था 2020 में देखोगे, फिर 40 हो गया, इसका मतलब 10,000 रुपया वर्कमैन कंपनसेशन फंड फायदे से निकाल कर बढ़ाया गया है। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले 65,000 का था, इस साल कितने का हो गया? 85,000 रुपया टैक्स हो गया। टैक्स की तुलना आप यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको सीधा सीधा लिखना है करंट ईयर का टैक्स। क्या टैक्स? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है? 85,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा इस साल का, पिछले साल टैक्स कितना दिया था? 65, इस साल 85। ठीक है, वो तो टैक्स है, टैक्स है। क्यों तुलना नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल 85 दिया हो, इस साल कितना देंगे? पिछले साल 65 दिया हो, इस साल 85 दे देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व, पहले 50,000 का था, अब 70,000 का हो गया, इसका मतलब फायदे से 20,000 रुपया ले जाया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पहले 25,000 रुपये का था, अब 40,000 का हो गया। ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का? 15। फ्लक्चुएशन लिख लीजिएगा 15,000, पहले कितने का था? 25 का था, 40 फायदे से ही ले जाया गया है। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, वर्कमैन वाला हो गया हमारा। उसके बाद इसमें दिया है प्रपोर्ट डिविडेंड, पहले 90,000 का था, अब 1,50,000 का हो गया। पिछले साल 90,000 दिया गया था, इस साल 1,50,000 रुपया प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज का मतलब जो प्रस्तावित है, डिविडेंड इसको पिछले साल वाला लिखेंगे। क्यों? अभी प्रस्तावित है, अभी दिया नहीं गया है, प्रस्तावित किया है, तो पिछले साल वाला दे दिया गया होगा ना, इसको लिख लीजिएगा 90,000 रुपया। उसके बाद कहता है अंतरिम डिविडेंड पेड करंट ईयर, अंतरिम डिविडेंड 15,000 रुपया करंट ईयर में पेड किया गया है। अंतरिम जो वर्ष के मध्य में घोषित किया जाता है, ठीक है, लिखना है अंतरिम डिविडेंड कितना? 15,000 रुपया। उसके बाद क्या करना है? फिर कहता है टैक्स रिफंड हो गया है। याद रखिएगा एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो छोटा लेकिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। सबसे पहले बात समझ लीजिए, 1,65,000 टोटल फ़ायदा, इस 1,65,000 में 1,00,000 रुपया पिछले साल का है, तो वास्तव में 65,000 रुपया इस साल का फ़ायदा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो, ऊपर से पढ़ते चले आइए, पहले 30,000 का था 20 में, 40,000 का हो गया है। फंड है, पैसा रखा रहता है, जब वर्कमैन को ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर कोई दुर्घटना वगैरह होगी तो वहाँ दिया जाएगा। 30 से 40 हुआ, इसका मतलब फ़ायदे से ही पैसा निकाला गया है। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है पिछले साल 65,000 टैक्स देना था, इस साल 85,000, इसको पूरा माइनस करना पड़ेगा, इसमें तुलना नहीं करनी है, क्योंकि वो तो टैक्स देना ही है। ये पैसा रहे, ये रहेगा बिजनेस में, जब कोई काम आएगा, काम लगेगा, तभी दिया जाएगा। उसके बाद कहता है जनरल रिजर्व, पहले 50 था, अब 70 का हो गया। जनरल रिजर्व कहाँ से बनता है? फायदे से ही। पहले 50 था, अब 70 का हो गया, तो यहाँ से निकाल लिया गया है फायदे से। अगले उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पहले 25 का था, अब 40 का हो गया, इसका मतलब 15,000 रुपया। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज का मतलब क्या होता है? जो पिछले साल प्रपोज था वो इस साल पेमेंट कर दिया जाएगा, इस साल वाला अगले साल पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एंतरिम डिविडेंड 15,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, पहले बताएं ये सब क्या किया गया है। ये सब माइनस करने के बाद आपका आया था कितना? 65,000। इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
रुक जाइएगा, 10,000, 85,000, 20, 10, 30, 5, 35,000, 90,000, 15,000, आ जाएगा 2,35,000। जोड़ लीजिए 2,35,000। अब जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, समझ रहे हो, जोड़ लोगे इतना फ़ायदा हो गया आफ्टर। इसमें इनकम टैक्स, टैक्स रिटर्न माइनस कर लेना है, कितना माइनस कर लेना है, 2,500, आपका आ जाएगा 2,97,500। कितना आ जाएगा, 2,97,500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। क्या मालूम करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दो बार मैंने समझाया आपको, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 3 का रास्ता खुलेगा।